नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों वर्ष 2020 भारतीय इतिहास का एक बहुत ही खराब साल रहा। इस साल कोरोना आपदा ने पूरे देश में हर वर्ग को प्रभावित किया। हमारा रेलवे भी इससे अछूता नहीं रहा। रेलवे की आय भी इससे प्रभावित हुई। ट्रेनें बंद होने से लोगों के सामने आने जाने के विकल्प खत्म हो गए। लेकिन इस बीच रेलवे के द्वारा एक कठोर निर्णय जीरो बेस्ड टाइम टेबल का लागू करने का लिया गया, जिसके कारण बहुत सारी ट्रेनें प्रभावित हुई, समय सारणी बदली गई, बहुत सारे स्टेशनों से स्टॉपेज इस जीरो बेस्ड टाइम टेबल के कारण बहुत सारी ट्रेनों के हटा दिए गए, कुछ ट्रेनें परमानेंट बंद कर दी गई, बहुत सारी ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन कर दिया गया। धीरे धीरे जनता को जो स्टॉपेज हटाए गए थे उनकी कमी महसूस होने लगी। जनता के द्वारा विभिन्न मंचों पर अपनी आवाज़ उठाई गई, जिसमें कि सोशल मीडिया सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देना तथा रेलवे अधिकारियों तक अपनी मनुहार पहुंचाना भी शामिल था। करीब 2 साल इसको गुजर चुके हैं। इसके बाद में अब जाकर रेलवे कुछ जगहों पर स्टॉपेज फिर से बहाल कर रहा है। इसी कड़ी में हमारे शुजालपुर में जबलपुर इंदौर ओवरनाइट सुपरफास्ट एक्सप्रेस का स्टॉपेज पिछले दिनों बहाल किया गया। वहीं हाल ही में मंदसौर जिले, रतलाम जिले के और उज्जैन जिले के कुछ स्टेशनों पर फिर से स्टॉपेज की बहाली की जा रही है। इस हेतु रेलवे के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी निकाल दिया गया है। बहुत सारी ट्रेनों के स्टॉपेज जो जीरो बेस्ड टाइम टेबल के कारण बंद हो गए थे वह अब बहाल हो रहे हैं। पिपलिया मंडी में एक नई ट्रेन का स्टॉपेज भी किया जा रहा है, उसके बारे में हम आगे चर्चा कर रहे हैं। तो जो जो स्टॉपेज नए बहाल हो रहे हैं जिनकी आगामी अक्टूबर महीने से शुरुआत हो सकती है, उनमें प्रमुख तौर पर सबसे पहले बात करते हैं पिपलिया मंडी के बारे में ही। जयपुर हैदराबाद गाड़ी का यहाँ पर स्टॉपेज किया जा रहा है, जो कि साप्ताहिक हफ्ते में एक दिन चलती है। इसके बाद शामगढ़ में 4 ट्रेनों के स्टॉपेज प्रदान किए गए, जिसमें कि मदुरई बीकानेर अनुव्रत, बांद्रा रामनगर एक्सप्रेस, कोयम्बटूर जयपुर सुपरफास्ट, मैसूर जयपुर सुपरफास्ट गाड़ी का स्टॉपेज यहाँ पर दिया गया। वहीं पुणे जयपुर, मुंबई जयपुर, बांद्रा बरौनी अवध और इंदौर जोधपुर रणथंबोर का सुवासरा में स्टॉपेज प्रदान किया गया। वहीं महितपुर रोड में इंदौर जोधपुर रणथंबोर का स्टॉपेज बहाल किया गया है। विक्रमगढ़ आलोट में बांद्रा टर्मिनस श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा स्वराज, हापा श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा और बिलासपुर भगत की कोठी और बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस का स्टॉपेज फिर से बहाल किया गया है। तो यह इन स्टेशनों के लिए काफ़ी खुशी की बात है। यहाँ के यात्री लंबे समय से इन ट्रेनों के स्टॉपेज फिर से शुरू करने की मांग कर रहे थे, जिसको रेलवे ने 6 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट के तौर पर दिए जाने का फैसला किया है। जल्दी ही इन पर रुकने वाली ट्रेनों के आने जाने के समय और तारीख, जिस तारीख से ये ट्रेनें रुकने वाली हैं, उसकी घोषणा हो जाएगी। तो इन क्षेत्रों के लिए निश्चित तौर पर यह काफ़ी खुशी की बात है। लेकिन अभी भी रतलाम मंडल के दाहोद, नागदा सहित बहुत सारे छोटे बड़े स्टेशनों पर जो कोरोना काल के समय से स्टॉपेज बंद किए गए थे, अभी तक बहाल नहीं हो पाए। उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में वह भी बहाल हो जाएंगे। यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।